सारा दिन फोन में ध्यान रखता है, छोड़ते अपने बाप को। अरे खाना खा ले। क्या देख रहे हो उधर? खाना खा लो, खाना खाने में जाना। लोकेश, लोकेश।
पेस्ट अब तबीयत कैसे अभी पापा और ये चोट कैसे लगी आपको पापा पानी पीने के लिए उठना था रात को और जब मैं उठा तो सीढ़ियों से मुझे किसी की आवाज़ आई मैं चेक करने के लिए गया वहाँ पर वहाँ पर कोई नहीं था जब मैं नीचे आ रहा था तब मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं नीचे गिर गया उसमें से पानी की बोतल अपने आप निकल गई पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया वहाँ पर जब मैं चेक करने के लिए नीचे जा रहा था समझ गया ये सब जब तुम फोन चलाते हो ना पूरा दिन ये उसी की वजह से होता है नहीं पापा सच में वहाँ पे कुछ था चलो कोई बात नहीं आप रेस्ट कर लो हर्ष आप दवाई दो इनको दवाई ले लो मंचूरियन लोकेश सारे मंचूरियन खा गया इसको बताता हूँ अभी ओ भक्कड़ तू सारा खाना अकेला खा गया कैसे खाना कौन सा खाना मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया मैं कब से दवाई लेकर सो रहा था चल कोई बात नहीं खा लिया तो लगता है सीढ़ियों से गिरने से याद चली गई जब मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं खाया चल चल कोई बात नहीं झट भाई मजाक कर रहा हूँ सो जा तू कोई बात नहीं ये खाना लोकेश ने भी नहीं खाया तो किसने खाया है कल वो बोल रहा था किचन में उसको कुछ दिखा वो सीढ़ियों से गिरा ये दो दो तीन तीन बार उसको वहम नहीं हो सकता पक्का कुछ गड़बड़ है पता करना पड़ेगा आइडिया
पापा मैंने पकड़ लिया पापा। अबे क्या पकड़ लिया तेरे आपको? पापा मैंने चोर को पकड़ लिया। हाँ चोर को पकड़ लिया। हाँ जी चल चल पापा। कुछ नहीं होता लोकेश, तू सो जा, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। चल चल
बस डर की प्रॉब्लम, और तो कुछ नहीं। क्या बताऊँ यार, दो चार दिनों से ना। ऐसा हुआ यार कुछ दिनों से। यार मेरी बात सुन, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। देख, ना तो भूत खाना खाता है, ना तो भूत नहाता है, तो फिर अपने कैसे मान लेंगे तुम्हारे घर पे भूत है। नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे पता है ना क्या क्या हो रहा है। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो मेरी बात सुन, मैं आता हूँ तेरे पास सुबह, फिर अपने देखते हैं, कुछ पता लगाते हैं क्या है, भूत है या चोर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तू आ यार एक बार, घर पे आना जरूर। चल ठीक है, मिलते हैं। ओके, ध्यान से सुबह आऊँगा। ठीक है। लोकेश जी पापा, जाके बाहर देखो कोई आया है। पापा कुणाल अंकल आए हैं। अंकल आ रहे हो? पापा कुणाल अंकल आए। चलो बढ़िया किया आप आ गए। लोकेश जाके पानी लेके आओ। पानी पूनी छोड़, पहले करके इन्वेस्टिगेशन कर लें, तेरी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। नहीं ये मेरी नहीं है। तो मुझे घर में कैसे? ये हर्ष, लोकेश इधर आओ। हाय पापा, इधर आओ। तुम दोनों में से ये किसकी है? ये हमारी नहीं पापा, इतने ही है। पापा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? कसम से पापा, हमारा काम ही है। ये हमारी नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती। हमारी नहीं है सर, अंदर से ये चेन है, ये अंदर से चेन है। तुम दोनों ने चेन किया? हमने से किसी की नहीं। चेक कर लो एक बार। हाँ देख लिया मैंने, ये नहीं है हमारी। तुम दोनों ने चेन ये हमारी नहीं है, ये फोटो भी तुम्हारी नहीं है। देव ये दोनों चीजें लैब में ले जाओ। देव ये मोटर देने से कर लेते हो, दोनों को लैब में बोलते हैं। यार आ रहा हूँ। कैसे ठीक हो? और इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? हो गई, रिपोर्ट आ गई। आई है ऑफिसर ने। इससे पक्का पता लग रहा है कि वो आदमी कोई भूत वगैरह नहीं है। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है।
ड्रिंक की हुई है, स्मोक की हुई है। अगर ये इंसान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो ये हमें तो कभी नजर नहीं है। कोई बात नहीं, इसका भी करेंगे इंतजाम, लगाएंगे पता। आइडिया चला कर देव पैसे ना बाहर खड़े हो। गोपी, गोपी लोकेश। हाँ जी पापा। जरा एक कॉपी लेके आना। अभी लाया। जल्दी लो, जल्दी ले लो पापा। करने क्या वाले हैं? समझाता देव, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है? अपनी जो जो लोबी है, जो लोबी बन गई, मेन गेट यहाँ है ना, यहाँ से वो अंदर आता है, तो वो अपने यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ लोकेश जरूरी है। उनके भी मन में डर बैठा होगा, उनके मन से भी डर निकाल होगा कि इस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है। मगर यार वो तो बच्चे हैं यार, अभी माना बच्चे हैं, पर उन्हें पता तो लगे अब घर में क्या कुछ होगा, अपने उसको कैसे पकड़ेंगे, उन्हें ही पता लगे। कल को वो और डर गए थे। जैसे तेरे को सही लगे वैसे देख लेगा। मेरी बात मान को गुलाम वाले का मुझे फैन समझा कैसे करना क्या करना। लोकेश, हर्ष जी पापा। हाँ जी। जरा आना, दो मिनट इधर आना। बंद कर पाए जी पापा। देव को भी बुला लो। देव। यस सर। इधर आओ। यस सर। बैठो। जैसा कि तुम्हें पता है घर में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है? देव तुम्हें पता ही है, रिपोर्ट अपने लेकर आए, ठीक है? लोकेश, अब उसे किस तरह पकड़ना है? है तो वो इंसान, डरने की कोई बात नहीं है, कोई भूत वगैरह नहीं है, ठीक है? अब उसे देखो पकड़ना कैसे है। ये जो अपनी लॉबी है हम इसमें, ठीक है, ये जब वो घर में एंटर होगा सबसे पहले उसे देखा किसने था? सबसे पहले उसे देखा किसने? मैं। कहाँ पे? सीढ़ियों। सीढ़ियों, मतलब ये तो पक्का हो गया वो सीढ़ियों से होकर ऊपर छत की तरफ जा सकता है, जा भी नहीं सकता है, ठीक है? दूसरी बार उसको किसने और कहाँ देखा था? मैंने देखा था। वो सामने वाले रूम में। सामने बयान वही बात कर रहे थे जो तुमने मुझे देखा। हाँ, वो रोकने के देख कर दूसरा समझिए तो फिर उसे लास्ट में कैसे हो सकता है? ये मुझे सही लगा, इसकी बात सही बोल रहा है। ऐसे करके देख लेते हैं। हाँ, ट्राई करने में देख लेते हैं। समझी? ठीक है, दिन करे दिया रे। आज क्या उसको पकड़ना है? आज ही? हाँ, ज़्यादा हम अपन घूमने नहीं दे सकते ना। चलो देव, जैसे तुम जाए उनकी मदद करवा देना। यस सर। भैया ये रिपोर्ट जरूर संभाल कर। We'll be right back.
देखो ना, मैंने कहा था ना कि आदमी है आगे ना फुट स्टेप। तू सही कह रहा था भाई, पापा देखो फुट स्टेप आगे। अरे दिख रहा है मुझको भी। रियान देख, अब मेरा जो शक था ना वो अब यकीन में बदल गया। अब जब अपना मेन प्लान है, मास्टर प्लान है, उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। ठीक है, जैसा जैसा हमने सबने सोचा था वैसा वैसा ही करेंगे। अगली रात को, मतलब जो ये दिन है इसकी आने वाली रात को, वो सब उसके लिए तैयार करेंगे जो हमने सोचा था। ठीक है, अभी अपने नॉर्मल काम करो। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लान रच रहे हैं। ये प्लान रात से पहले चालू करना पड़ेगा। ये प्लान, हाँ, जिस हिसाब से फुटप्रिंट है वो यही कम से कम 11-11:30 के बीच में आता होगा। तो देख, अभी भी कुछ भी दिले हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टाइम मिले वैसे बड़े टाइम में वादा भी होगा। तो अपने पहले टाइम से स्टार्ट करते हैं। डरने की क्या बात है यार, सारे इतने जगह तो बैठे हैं। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। तेरे पास रिक्शी थी ना? हाँ ये ही बात है। देखिए पापा, पापा आ गया, वो देखो, चलो पकड़ो इसको। We'll be right back.
Thank you.